सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाली वीडियो सिर्फ MD यूजर्स के लिए स्पेशल होने वाली है, और अगर कोई इन वीडियो ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो कृपया करके इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप लोग अपना प्रीशियस टाइम बर्बाद ना करें, वो तो मुझे भी पता है कि आपका टाइम कितना कीमती है। बट चलो खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन लोग बढ़ते हैं MD वालों के कमेंट की तरफ कि वो लोग क्या क्या कह रहे हैं। आ जाओ भाई, जल्दी वीडियो बनाओ, पीसी से दिल उठ रहा है। भाई आपने अपना दिल पीसी पर रखा है कि आपका दिल पीसी से उठ रहा है? माय MD GPU व्हाट सेटिंग्स अप्लाई एंड ड्राइवर्स। भाई ये मेरे को बताओ, ये प्राणी कौन है? इस प्राणी ने कहां से ये इंग्लिश सीखे? मेरे को भी इस तरह अंग्रेजी सीखनी है, और इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है मैं MD GPU व्हाट सेटिंग्स अप्लाई एंड ड्राइवर्स। ड्राइवर भी मांग रहे, भाई जहाज का ड्राइवर बिठा ले GPU में। भाई इनविडिया नहीं है, MD RX 474 GB का बता दो प्लीज। नहीं भाई, आप मेरे को ये बताओ, आपने इनविडिया ग्राफिक कार्ड को छोड़ के MD ग्राफिक कार्ड क्यों लिया? चलो यार, आपको मैं बख्शता हूँ, आपको मैं रोस्ट नहीं मारता, बट जो जो इंस्ट्रक्शन मैं इस वीडियो में दूंगा आप लोगों ने सेम वही कॉपी करना है। ये नहीं बोलना कि यार इससे लैग होगा, इससे ये होगा, आपने अपना इलम नहीं शो करना, ठीक है ना? और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मैंने 2 महीनों की रिसर्च करी है, ठीक है? आज वीडियो की तरफ। सो स्टेप वन में अपन लोग अपने पीसी के ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले से पीसी के ऑप्टिमाइजेशन किए तो आप लोग ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट गेम लूप की सेटिंग्स के ऊपर जा सकते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर। सो आज वो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने विंडोज में जाना है और यहाँ पे लिखना है msconfig। msconfig लिख के आप लोगों ने बूट में जाना है, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर के ऊपर टिक करके 12 जितने कोर्स होंगे मैक्सिमम सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर सर्विसेज में आने, यहाँ पे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, और यहाँ पे जो आपको लग रहा हो कि यार ये फजूल सर्विसेज है, आपने उसको डिसेबल कर देना है, और फिर अप्लाई करना है, ओके कर दें, और एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट कर लेना है। आप तब रिस्टार्ट करो जब आप सारी सेटिंग्स कर लो। और सेकंड स्टेप की तरफ, मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में 2 सॉफ्टवेयर का लिंक दिया होगा, एक क्विक CPU और एक पावर कंट्रोल। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको ओपन करने के बाद मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक लिंक, एक कमांड प्रॉम्प्ट दिया होगा, आप लोगों ने सिंपली उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है, तो यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस एनेबल होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये करने के बाद आप लोगों ने फिर सर्च में जाना है, कंट्रोल पैनल लिख लेना है, पार कंट्रोल लिखने के बाद आप लोगों ने अल्टीमेट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करने और ये सारे ऑफ कर देने, मैक एक्टिव, अप्लाई और ओके कर देने। फिर आप लोगों ने क्विक CPU को ओपन कर देना है। क्विक CPU को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस है कि नहीं। अगर अल्टीमेट परफॉर्मेंस ना हो तो आप लोगों ने यहाँ से अल्टीमेट परफॉर्मेंस कर देने और इन सब को आप लोगों ने इंक्रीज कर देना और इसे ऐसे रख दें, अप्लाई कर देना, ओके कर देना, फिर बंद कर देना है। ये होगी हमारी ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, गेम लूप की सेटिंग्स। मैं आप लोगों को 3 सेटिंग्स दूंगा, आप लोगों ने तीनों के तीनों ट्राई करने, और जिस पे आप लोगों का लैग ना हो तो फिर आप लोगों ने उसके ऊपर स्टक हो जाना है। तो आ जाओ, मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, बेसिक में सारे ऑफ रखने, इंजन में आप लोगों ने ऑटो, ये दोनों अनटिक, ये तीनों टिक, और फिर ये देखो DPI आप लोगों की मर्जी, रिजोल्यूशन आप लोगों की मर्जी, और ये ऑटोमेटिक रखो तो अच्छा है, और या फुल मैक्स रखो तो अच्छा है, ठीक है ना? अगर आप लोग इस साथ 2 कोर्स वाला प्रोसेसर भी हो, 4 कोर्स वाला प्रोसेसर भी हो, तब भी आप लोगों ने इसको मैक्स करना है और ऑडियो चैनल को डायरेक्ट साउंड करना है। अब अगर इस वाली सेटिंग्स पे आप लोगों की लैग कर रही हो तो आप लोगों ने इसको डायरेक्ट एक्स और ये रख देना है। ये रखने के बाद आप लोगों ने फिर से गेम ट्राई करना है, अगर फिर से लैग हो तो इन दोनों को ऑफ करने के बाद इसको भी ऑफ करो, ये दोनों, और ये डिसेबल करो और इससे ऑटो करो, फिर ट्राई करना है। अगर आप लोगों का फिर भी लैग हो तो फिर आपने ये ट्राई कर देना है, ठीक है ना? और गेम में आ जाते हैं। गेम में आप लोगों के साथ अगर 2 GB का कार्ड हो तो आपने 720p रखना है, अगर 4 GB का कार्ड हो तो आपने 1080p रख देना है, और अगर 8 GB या 6 GB का कार्ड हो तो आप लोगों ने 2K रख देना है। और ग्राफिक क्वालिटी हमेशा ऑटोमेटिक, अगर इसमें आप लोगों को लैग फील हो तो आप लोगों ने स्मूथ, और स्मूथ में अगर लैग फील हो तो फिर HD पे चले जाना है, ठीक हो गया? और FPS 60 रखते हैं, 90 पे नहीं खेलना। मैं भी 90 पे नहीं खेलता, बस लोग बोलते हैं कि 90 FPS में कनेक्टिविटी अच्छी होती है। नहीं भाई, कनेक्टिविटी FPS के ऊपर मैटर नहीं करता, कनेक्टिविटी FPS की स्टेबिलिटी के ऊपर मैटर करते हैं। अगर आप लोगों के 30 FPS आ रहे हो और स्टेबल आ रहे हो तब आपका कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा होगा, तो आप लोगों ने 60 FPS पे खेलना है। ये तो होगी हमारी गेम लूप की सेटिंग्स।
अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप है एमडी की सेटिंग्स। अभी अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर एमडी की सेटिंग्स। तो एमडी की सेटिंग्स आप लोगों ने कान खोलकर और गौर से सुनना है, ठीक है ना, और समझने की कोशिश करना है। मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट सिखा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या सेटिंग्स रखनी है और एग्जैक्ट कॉपी करना है, ठीक है। और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गला साफ कर ले। आप लोगों ने आना है अपने ग्राफिक्स के अंदर और यहाँ पे रेडियन एंटी लैग को एनेबल कर देना है और यहाँ पे शार्प में इसको डिसेबल कर देना है। कान कोल के सुनो, इसे डिसेबल करना है और वेट फॉर वर्टिकल रिफ्रेश इसे ऑलवेज ऑन करना है, एनेबल करना है। और किधर गया नेक्स्ट, हाँ एंटी अलियासिंग इसे ऑफ कर देना है, ठीक है ना। फ्रेम रेट टारगेट कंट्रोल इसे भी ऑफ कर देना है। एंटी अलियासिंग मेथड इसे मल्टी सैम्पलिंग रखना है और ये ऑफ। एनिस्ट्रोपिक फिल्टरिंग इसे भी ऑफ। टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी ये स्टैंडर्ड जो सबसे लो हो इसमें, स्टैंडर्ड आई थिंक सबसे लो होगा, वही रख देना है। सरफेस फॉर्मेट ऑप्टिमाइजेशन इसे डिसेबल कर देना है और ट्रांसलेशन मोड ये एमडी ऑप्टिमाइजर इसे आपने ऑफ करने। इसके नीचे वाला एक ऑप्शन आएगा, मैं बताता हूँ इसके बाद। ओपन जेल ट्रिपल बफरिंग इसे ऑफ कर देने और ये देख रहे हो टेस्टिंग मोड इसे ऑफ करने। इसके नीचे एक इस तरह ऑप्शन आएगा, इसे भी ऑफ कर देने और एडमिट ये ऑफ। और फिर आप लोगों ने ग्राफिक्स से डिस्प्ले में चले जाने, यहाँ पे एमडी फ्रीसिंक इसे ऑन कर देना है, ठीक है, इसे ऑन कर देना है। और वर्चुअल सुपर रिजोल्यूशन इसे ऑफ कर देना है, बाकी ये सारा ऑफ, ये बाकी सारा सही है। अगर आप लोगों को फिर समझ नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर देना। और बस यार आज की वीडियो इतनी थी, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अल्लाह हाफिज़।